Hi, welcome back. I am Sanmeet Kaur and I am a motivational speaker. I am back again with a topic on why people are not able to achieve their goals. Actually, I have got a number of queries and messages from people. They are students, professionals at any level. They are asking me again and again why they are not able to achieve their goals. जो वो पाना चाहते हैं, जिस मुकाम पर उनकी फील्ड के लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे। डू यू नो द रीजन बिहाइंड दैट? आइए पता करते हैं। पॉइंट इज, वी ऑलवेज सी द फाइनल स्टेप, वी ऑलवेज सी दैट पर्सन कितना सक्सेसफुल है, बट वी नेवर सी व्हाई दैट पर्सन हैज रीच्ड टू दैट डेस्टिनेशन। व्हाट एक्शंस हैज बीन टेकन बाय दैट पर्सन, हाउ मच हार्ड वर्क हैज बीन डन बाय हिम। वो अपने मुकाम को पाने के लिए कितनी रातें सोया नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए उसने अपनी लाइफ में क्या क्या मिस किया है, क्या क्या मिस किया है। उसे सक्सेसफुल होने के लिए अपने कंफर्ट जोन से रियली बाहर आना पड़ा। एक्चुअल में हमें यह तो पता है कि हमें चाहिए क्या, बट उसको पाने का रोड मैप हमने कभी नहीं बनाया। इनकेस यू वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग, बिलीव मी बिलीव मी बिलीव मी, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट यू नीड टू मेक योर रोड मैप, जो एक्चुअली में लोग बनाते नहीं हैं, और अगर बनाते भी हैं तो उसको फॉलो ही नहीं करते। यस, नाउ आई एम आस्किंग यू अ वेरी ब्लंट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर दैट। क्या आप सोचते हैं कि आप उस गोल को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपने अपना 100% एफर्ट लगाया था? क्या उसको अचीव करने के लिए उससे बेस्ट और कुछ नहीं किया जा सकता था? क्या अपने गोल को पाने के लिए आपने सब रास्ते ट्राई कर लिए हैं? क्या आप सही रास्ते पर चल भी रहे हैं कि नहीं? बिकॉज आप जितना मर्जी हार्डवर्क कर लीजिए, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आज जो भी आपसे डिस्कस करने वाली हूं, ट्राई टू रिलेट दैट विद योर जर्नी टू सक्सेस। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन पॉइंट्स जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज द डिफाइंड गोल। क्या आपको एक्चुअली में पता है एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या? बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अराउंड 60 से 70% को लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, उनका एक्चुअल में लक्ष्य है क्या। तो इनकेस दीज थिंग्स विल नॉट बी क्लियर, तो आप किस डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाएंगे? सेकेंड इज द राइट गाइडेंस। Is there anybody who is guiding you to achieve your goals? In case you are doing something new, अगर आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, do you have that right guidance with you? अगर नहीं, तो it's better कि आप उस person को follow कीजिए जो उस line में master है, because he has seen the ups and downs of that thing. क्योंकि वो person आपको help करेगा आपकी mistakes avoid करवाने में और आपको goal achieve करवाने में. Next is the right direction. Now once your goal is clear, time to time you need to check your direction. That are you moving towards the right direction? क्योंकि wrong direction will never take you to your goal. Coming to the next point is the right knowledge and the right skill. Please check, do you have that right knowledge, that right skill with you to reach your goal? Agar nahi hai, so it's not an issue, because it can be acquired. Because
अगर इनसफिशियंट नॉलेज और इनसफिशियंट स्किल है आपके पास, इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स। मेरा मानना यह है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ती चली आएगी। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ती चली आएगी। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, योर स्किल्स, योर नॉलेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू यू हैव दैट फायर विद इन यू? क्या कुछ कर दिखाने का जुनून, अपने मुकाम पे पहुंचने का पैशन आप में रियली है? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। मेरा मानना यह है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में कोशिश में लग जाती है। आई रिपीट, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, एंड इट्स ट्रू। नाउ आई अगेन रिपीट, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? टू बी वेरी ब्रीफ, फर्स्ट इज द डिफाइंड गोल, सेकेंड इज द राइट गाइडेंस, थर्ड इज द राइट डायरेक्शन, फोर्थ इज द राइट नॉलेज और द राइट स्किल यू कैन से, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट फायर विद इन यू। वो फायर अंत तक रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं भी आप अटके, वो फायर आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगी। बिलीव मी, इन केस एनीथिंग इज मिसिंग आउट ऑफ दीज पॉइंट्स, यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर गोल, या डिफिकल्टी होगी। सो आई सजेस्ट आपको इन सब पॉइंट्स पर काम करना होगा। इफ यू फील एनीथिंग इज मिसिंग, ट्राई टू फिल दैट गैप। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you.